हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ईपीएफओ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था और इसमें टोटल 123 पोस्ट थी। एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद से 1 महीना हो चुका है, आप लोग वेट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यूपीएससी की ओर से आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और ये रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस है। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज देयर 323, तो टोटल 123 वैकेंसी थी। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी थी और ईपीएफओ डिपार्टमेंट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। उसके बाद इसमें तो जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, रिक्रूटमेंट टेस्ट 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ था, उसी के आधार पर कमीशन है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एज पर द लिस्टेड एनेक्शन ओनली। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। सच कैंडिडेट हु सेटिस्फाई फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर द एडवर्टीजमेंट शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। जो भी क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उससे पहले DAF भरा जाएगा। नोट में इन्होंने क्या मेंशन करा, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो DAF भरा जाएगा आप लोगों का, फेलिंग विच हिजर अगर आप लोग उसको नहीं भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द लिंक फॉर भी अवेलेबल ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट, तो यानी कि आपका लिंक भी आ जाएगा, वो मैं देख लूंगा अभी लिंक आया है या नहीं आया है। द डेट ऑफ द लॉन्च ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एंड द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ डिटेल एप्लीकेशन विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, वो आप लोगों की बाद में आएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट कमीशन वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। मार्क इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कम्प्लीटमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये देख लीजिए टोटल रिक्रूटमेंट ऑफ 323 पोस्ट है इन ईपीएफओ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो इन्होंने रोल नंबर वाइज दिया है, तो ये रोल नंबर वाइज है, आप लोग अपने अपने रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स थे, आपकी क्या कैटेगरी है और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके आसपास अगर आपके सिलेक्शन के मार्क्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी क्या कैटेगरी है और आपका सिलेक्शन हुआ है यस और नो, जिससे हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, तो मान करके चलिए कम से कम 20 दिन आप लोगों के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे, उसके 10-15 दिन बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मान करके चलिए कम से कम 1 महीने बाद अब आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये आप लोगों की रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट थी। रिजल्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं, और अपने मार्क्स विद कैटेगरी आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या कट ऑफ रही है। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।